आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हमारे साथ साध्वी निरंजन ज्योति जी। मंत्री जी, आपने जो अपने उद्बोधन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला कि महिलाओं को अब बाहर आना चाहिए, ब्लॉक में अब फोटो से काम नहीं चलेगा, अपने हस्बैंड उनके फोटो लगा करके नहीं उनका काम कर सकते हैं, उनको खुद आना पड़ेगा, खुद अपने आप ही आगे आ करके बढ़ करके काम करना पड़ेगा। नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर महिलाओं को भी होना पड़ेगा ना। ये अच्छी बात है कि जिनके पति अच्छे हैं सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सहयोग के साथ साथ अपने को स्वयं की जानकारी होना चाहिए कि हम पंचायत में क्या कर सकते हैं, क्या क्या रूल हैं, क्या क्या कैसे पैसा आता है, क्या करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि वैसे भी देश में पहले से महिला सशक्त रही है, अभी बहुत सारी जो बीच में कमी आई, शिक्षा का अभाव रहा, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी महिलाओं के अंदर रहा कि शिक्षा ना होना, इसके कारण ग्रामीण विकास में, ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कतें आई हैं। लेकिन इस बीच में अब जागरूकता आई है, चाहे गांव की हो। अब आप देखिए, जो मोबाइल क्रांति आई, सबके महिलाओं के हाथ में मोबाइल है। अब जब से नोटबंदी आई, कैशलेस हुआ, तो महिलाएं जाती हैं, पैसा निकाल लेती हैं, बाजार करती हैं। ये महिलाओं को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण का नारा दिया है, उसके तहत बहुत काम हो रहा है। मैं अपने मंत्रालय में जिस तरह से काम हो रहा है, समूह की बहनें काम कर रही हैं पूरे देश में, तो मेरा मानना है कि महिला स्वयं अपने पैरों खड़ी हो रही है। मैं पूरे देश की, पूरे विश्व की महिलाओं को शुभकामना देती हूँ। विशेष तौर पर मैं अपने भारत की महिलाओं का अभिनंदन करती हूँ कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ महिलाएं काम न कर रही हों। दीदी, दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत आज आपने बहुत सारे महिलाएं ग्रुपों को, आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को अवार्ड्स दिया, आपके लिए क्या वो ग्रुप कौन सी रही जो बहुत अच्छी रही, या आप उन सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो मानती हूं कि इससे प्रेरणा मिलती है उन लोगों को काम करने की। जब कोई पुरस्कृत होता है ना, तो दूसरों को लगता है कि हम भी इसी तरह पुरस्कृत हों, तो एक प्रेरणा मिलती है। पुरस्कार का मतलब है प्रेरणा, और बहनें आगे आएँ, या कोई भी हो, समाज का कोई भी व्यक्ति का, जब कोई व्यक्ति सम्मानित तो होता है दूसरे व्यक्ति को, जैसे विद्यालय में कोई बच्चा टॉप आता है तो दूसरा अगला सोचता है कि मैं अगले साल टॉप आऊँगा। तो ये कौन काम अच्छा है, काम महिलाएं सब अच्छी कर रही हैं। 34 करोड़, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि 34 करोड़, 1/4 ऑफ हिंदुस्तान की महिलाएँ, हिंदुस्तान के पॉपुलेशन जो महिलाएँ, वो लोग काम कर रही हैं। 34 करोड़ ऑफ पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग वुमेन इन देयर वर्क, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर। नहीं, आप देखिए, आज़ादी के बाद से जब से पार्लियामेंट शुरू हुई 2014 में, संख्या बढ़ी और इस बार अधिक बढ़ी। ऐसे ही हर क्षेत्र में महिलाओं को सशक्तिकरण हो रहा है और महिलाएं आगे आ रही हैं। ये बात सही है कि कुछ कालखंड ऐसा रहा जिस समय महिलाओं को एक घर की दीवार में रखा गया, पर्दे की प्रथा में रखा गया, और जो अंदर वो कोई परिस्थिति थी, क्योंकि हमारे देश में ये पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा होती तो कभी भी गार्गी शास्त्रार्थ नहीं कर सकती थी, कभी हाड़ी रानी समर में नहीं आ सकती थी, झांसी वाली मैदान में नहीं आ सकती। तो ये हमारे परंपरा नहीं रही, लेकिन कुछ कालखंड ऐसा रहा जब महिलाओं को सुरक्षित रखना भी जरूरी था, कुछ समय होता है, लेकिन आज वो नहीं है। आज महिला स्वयं आगे निकल कर काम कर रही है। मेरी तो इच्छा है कि पार्लियामेंट में 50-50 की भागीदारी हो, जिससे कम से कम और इससे अधिक महिलाएं अगले चुन करके आएँ, चाहे विधानसभा में हो, चाहे प्रधानी में हो, चाहे टाउन एरिया में हो, कहीं भी हो, जीत करके पहुँचें। जब महिला पहुँचती तो ममता भी होती है इसके अंदर काम करने के। तो क्या आप 50% की बात कॉन्स्टिट्यूशन में लाने की, या अपने पार्टी की तरफ से कुछ पार्टी ने, हमारी पार्टी में कितनी महिलाएं जीत के आई, आप उदाहरण देखिए ना, इसके पहले इतनी महिलाएं कहाँ आती थी। तो हमारी पार्टी तो वैसे संगठन में से भागीदारी दिए हुए, हर क्षेत्र में दिए हुए। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसके लिए आपका मैसेज क्या होगा मैम? मेरा एक ही संदेश है कि नर हो न निराश करो मन को, आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। लेकिन अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, अपने गांव की इज्जत, अपने देश की इज्जत को बचा करके।